हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। टीवी के मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो पर आपने अक्सर कॉमेडियंस को एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए देखा होगा। हर हफ्ते टेलीकास्ट होने वाले इस शो में बीते दिनों गोविंदा पहुंचे थे, इस वजह से उनके भांजे कृष्णा अभिषेक ने उस एपिसोड में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है, लेकिन कृष्णा और गोविंदा के इस झगड़े पर कॉमेडियंस काफी मजे ले रहे हैं। हाल ही में ऑन एयर हुए एक एपिसोड में इसी को लेकर कीकू शारदा ने कृष्णा अभिषेक से कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन कीकू के इस कमेंट से हर कोई खिलखिलाकर हंसने लगा। खुद कीकू भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल कपिल शर्मा शो के लेटेस्ट एपिसोड में कुली नंबर 1 की स्टार कास्ट पहुंची थी। सारा अली खान और वरुण धवन कपिल शर्मा के साथ स्टेज पर बैठे थे, तभी एक एक्ट के दौरान कृष्णा धर्मवीर फिल्म के धर्म और कीकू जीत फिल्म के सनी देओल वाले गेटअप में पहुंचे। एक्ट के दौरान बातों ही बातों में कीकू शारदा गोविंदा की आवाज में कुछ कहने लगे, जिस पर कृष्णा ने धर्मेंद्र स्टाइल में जवाब दिया, चीची ऐसे बात नहीं करते। इस पर बिना देर किए कीकू ने भी फौरन कहा, चीची तो आपसे बात ही नहीं करते। इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगे। ये हर किसी को पता है कि गोविंदा को ही लोग चीची कहते हैं, लेकिन मजाक मजाक में ही कीकू ने कृष्णा पर तंज कस दिया। बता दें, कुछ दिनों पहले गोविंदा द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे। इस एपिसोड से उनके भांजे कृष्णा अभिषेक नदारद दिखाई दिए, जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों के बीच की अनबन सामने आ गई थी। कृष्णा ने एक बयान में कहा कि उनकी दुश्मनी ने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया था। उन्होंने कहा, मामा गोविंदा के साथ मैंने एपिसोड करने से मना कर दिया क्योंकि हमारे बीच कुछ मतभेद हैं और मैं नहीं चाहता कि मतभेदों की वजह से शो पर असर पड़े। कॉमेडी करने के लिए आपको पॉजिटिव माहौल में काम करना पड़ता है, रिश्ते अच्छे होते हैं तभी हंसी आती है। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा ने भी अपनी बात रखते हुए कृष्णा को लताड़ लगाई थी और अब कीकू ने ये मजाक करके मामा भांजे के विवाद को बढ़ाने का काम कर दिया है। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।